अभी साइमन बाबा लगभग 90 साल के हो चुके हैं एंड उनके इतने सालों के अथक प्रयास के वजह से 2016 में सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया. दैट्स राइट. कसका एवरीवन, दिस इज अंकुश एके कर्मा टॉक्स और मैं लेकर आया हूं एक और एपिसोड कर्मा टॉक्स का आप सबके लिए. इस क्वारंटाइन के लॉकडाउन में जब हम सब लोग घर पे बैठ के मायूस हो रहे हैं और वी आर फीलिंग अ लिटिल होपलेस, हियर इज योर डोज ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. सो हम लोग जो शहरों में रहते हैं मोस्टली सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट और टिकटॉक के ऊपर हमारे ओपिनियंस और हमारा टाइम पास दुनिया के साथ शेयर करते हैं. What is the reality of water for people like us? जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं? Do we do this? अरे भैया दो बिस्लरी दियो. ये ले थारी बिस्लरी. ये बिस्लरी है? हाँ हाँ बिस्लरी है. भैया ऊंट है गधे नहीं. अरे बिस्लरी निकाल बिस्लरी. But हिंदुस्तान की reality पानी को लेकर कुछ और ही है. आपने देखा कि 2019 में चेन्नई में लगभग पानी पूरा सूख गया था. साउथ अफ्रीका माइट बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे इतना लार्ज स्केल वाटर क्राइसिस देखने को मिला. सो टुडेज कर्मा टॉक्स इज एग्जैक्टली अबाउट दिस, अबाउट वन वाटर चैंपियन. इनफैक्ट ही इज कॉल्ड द वाटर मैन ऑफ झारखंड. जी हाँ, साइमन बाबा जिनको प्यार से कहा जाता है, साइमन उराव मिंज इनका नाम है और 90 साल की उम्र के ये वाटरमैन ऑफ झारखंड है जो लगभग 1960 से लेके झारखंड में पानी को बचा रहे हैं. चलिए देखते हैं उनकी कहानी. पहले गांव में कोई मर्दाना नहीं रहता था, सब बाहर चल जाते कमाने. मगर जहिया से हमारे बांध स्टार्ट किए सारा विदेश जाने वाला जनाना मर्दाना सब बंद हो गया और अभी बहुत अच्छा से चलाया और इतना तक चला रहा है. झारखंड में रांची से लगभग 35 किलोमीटर पे बेरो ब्लॉक है और बेरो ब्लॉक के खपसी टोली इस गांव में साइमन बाबा का जन्म हुआ था. लगभग जब वो 10 साल के थे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव के पुरुष और महिलाएं जो है वो खेती करते हैं. बस एक ही बार खेती कर पाते हैं क्योंकि बारिश का जो सीजन है, मेजॉरिटी इंडिया में खेती सिर्फ बारिश के ही दरमियान होती है और उसके बाद ज्यादातर जो पुरुष वर्ग है ये शहरों में चले जाते हैं जॉब्स के लिए, वेजेस के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए. तो अपने गांव के लोगों के साथ इतनी कम आयु में ही बैठ के उन्होंने चर्चा की और सोचा कि इसका क्या मसला है और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है. इन 1961 ही अलॉन्ग विद हिज विलेजर्स प्लान्ड द फर्स्ट चेक डैम. बड़ा बात नहीं बनना है, जितना पानी नाला ने लेगा उतने बनना है, जमीन को नहीं डूबना है. छोटा छोटा बंद है और 6 फीट 7 फीट 8 फीट पानी रखे, वही सबसे बड़ा है हमदार है. हम छोटा छोटा बना है, इतना 7 गांव सिंचाई हो रहा है, किसी को तकलीफ नहीं है. 1961 से 1970 तक साइमन बाबा और उनके गांव वालों ने ऑलमोस्ट 45 फीट गहरा ऐसा एक तालाब बनाया और उसमें से एक 5,500 फीट की नहर और दूसरी 3,500 फीट की नहर माने कनाल, ये कनाल्स बनाए गए जिसके जरिए आसपास के लोगों को खेती में बहुत ज्यादा सहूलियत हुई. इमेजिन सच ए यंग पर्सन, गांव वालों के साथ सब लोगों ने मिलकर श्रमदान करके ये चीजें बनाई. साइमन बाबा ने खुद की अपनी जमीन भी चेक डैम्स में दी. उन्होंने गांव वालों को मोटिवेट किया कि वो भी अपनी जमीनें चेक डैम्स के लिए दे और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए अब चेक डैम्स में जमीनें गई तो उससे ऑफकोर्स खेती में फायदा होगा लेकिन कुछ छोटे किसानों को इससे दिक्कत भी हो सकती थी. इसलिए उन्होंने गांव की जो कॉमन जमीन थी, कुछ जंगल की जमीन थी, वहां पे उन्होंने फिर धान उगाया. हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए लगाते हैं बिस्लेरी की बोतल खरीदने के लिए और उसके बाद उसका क्या होता है, वो प्लास्टिक कहां जाके तहस नहस करता है, उसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं होता है. दिस इज सो इंस्पायरिंग व्हाट साइमन बाबा डिड इन हिज विलेज इन झारखंड. उनके इस मॉडल से इंस्पायर होके आसपास के लगभग 50 गांव ने इस तरीके के चेक डैम्स बनाए और 500 हेक्टेयर से ज्यादा मतलब लगभग 1,200 एकड़ के ऊपर 3 फसलें होने लग गई. जो पहले साल में सिर्फ एक फसल होती थी, एक ही क्रॉप होता था, नाउ दे स्टार्टेड कल्टीवेटिंग 3 क्रॉप्स अ ईयर और लगभग वेजिटेबल्स का ये पूरा एक गढ़ बन गया. द फार्मर्स ओवर देयर स्टार्टेड ग्रोइंग वेजिटेबल्स. जो पहले सिर्फ धान या पैडी उगाते थे वो भी अलग अलग किस्म के सब्जियां भी वहां पे उगाने लग गए. यू नो द काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशन दैट द आदिवासी कम्युनिटीज हैव विद द फॉरेस्ट इज अनपैरेलल्ड. पानी के ऊपर साइमन बाबा की कोशिश नहीं रुकी रही. उनके आसपास के इलाकों में साल के बहुत अच्छे फॉरेस्ट थे. उन्होंने देखा कि टिम्बर माफिया जो है
वो आके साल की लकड़ी तोड़ के चोरी करके लेकर जाते थे। अब इसके ऊपर भी उन्होंने अपनी कोशिश शुरू करी। ओवर द इयर्स उन्होंने लगभग 250 हेक्टेयर मतलब लगभग 700 से 800 एकर के साल के फॉरेस्ट को बचा के रखा है। उन्होंने मुहिम रची थी जिसमें साल हर साल लगभग 1000 पेड़ों को लगाया जाता था उनके गांव के आसपास इलाकों में। दिस वन पर्सन ब्रॉट अबाउट अ कंप्लीट इकोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन हिज एरिया एंड द नेबरिंग विलेजेस एज वेल। साइमन बाबा ने अपनी इस कोशिशों में, अपनी इस लड़ाई में जेल भी देखा। जब उन्होंने धरने दिए जंगल कटाई के खिलाफ तो उनको जेल भी भेजा गया। जंगल को बढ़िया से रखवाली करेंगे के रिजर्व किया, पूरा जंगल को रिजर्व करके यहाँ पहरादार रखा। रिजर्व करने के बाद 5 साल ने जंगल ने बड़ा बड़ा लकड़ी था मोटा मोटा, उसको काट काट के कोयला बना रहा था और ट्रैक का ट्रैक बिक्री किया। तो हम सब थोड़े दिन देखे तो हमारे अब बहुत अफसोस लगा, चला हमारे पुरखा रखा है जंगल, अरे कहाँ सा यारी के काट के कोयला बना रहा है, पहले बंद के रोक दिए। तो ये था आज का कर्मा टॉक्स। साइमन उराव मिंज ये बेरो ब्लॉक झारखंड के ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने कर्म से अपने आसपास के इलाके को और भी सुंदर बनाया, वहां के पानी को और वहां के जंगलों को बचा के रखा। साइमन उराव इज चेंजिंग द वर्ल्ड विथ हिज गुड कर्मा, शुडंट वी ऑल। सो दैट्स इट, दैट वॉज टूडेज कर्मा टॉक्स, साइमन उराव फ्रॉम झारखंड इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड इफ यू लव मोर कॉन्टेंट लाइक दिस सेंड मी अ कॉमेंट इन द कॉमेंट्स बिलो की हु वुड यू लाइक मी टू कवर इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोज। सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बाय द नेम कर्मा ट्रैवलर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सेंड मी कॉमेंट्स, स्प्रेड दिस अक्रॉस योर फ्रेंड्स, लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हाँ अभी 30 दिन के ऊपर हो चुके हैं और घर पे बैठ के सब लोग ही थोड़े ढूस हो रहे हैं, सो लेट अस पंप ईच अदर विद दीज मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कर्मा टॉक्स, टिल देन स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, स्टे हेल्दी।